मशहूर मारूफ एक्सपोर्टर, सीनियर समाजी खिदमतगार और मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव काउंसलर तनवीर बारी ने सभी अहले वतन को वतन अजीज़ के 74वें योम आज़ादी पर दिली मुबारकबाद पेश की है और साथ ही सिटी चैनल के दर्शकों को सिटी चैनल का प्रसारण एक बार फिर शुरू होने पर भी हार्दिक बधाई दी है। तनवीर बारी साहब 14 अगस्त की शाम को संभल रोड पर वाक़ अपनी फर्म में सिटी चैनल के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने अवाम से ये अपील भी की कि सभी लोग आज़ादी का जश्न मनाएं और ज़रूर मनाएं, लेकिन साथ ही फिज़िकल डिस्टेंसिंग और मास्क के इस्तेमाल का ख्याल भी ज़रूर रखें। कोरोना वायरस के चलते शासन और प्रशासन ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उन पर पूरी ईमानदारी से अमल करें। सीनियर समाजी खिदमतगार व एक्सपोर्टर तनवीर बारी ने कहा, सबसे पहले तो मैं यौम आज़ादी की 74वें यौम आज़ादी की बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही दर्शकों को, जो भी आपके चैनल को देख रहे हैं उन सभी को, चाहे वो देशवासी हों, प्रदेशवासी हों, जनपदवासी हों या शहरवासी हों। और दूसरे नंबर पे मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि सिटी न्यूज़ का चैनल माशाल्लाह दोबारा शुरू हुआ है और ये पहला हफ्ता है जो प्रसारण का है, जो 416 नंबर पर या 316 नंबर पर प्रसारित किया जा रहा है। और हमेशा की तरह हमें आपके चैनल की सपोर्ट रही है और आपका चैनल हमेशा निष्पक्ष तौर पर हमारी सारी बातों को दर्शाता रहा है, इसके लिए हम हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू। और दूसरे नंबर पर मैं एक्सपोर्ट ब्रादरी की तरफ से सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और इस आह्वान के साथ कि इसी इस पर्व को भी, ये नेशनल पर्व है हमारा, ये सब चीज़ों से ऊपर है, ये हमारे लिए एक राष्ट्रीय गर्व का मौका है जिसको हमें राष्ट्रीय गर्व के तौर पर ही मनाना चाहिए। तमाम लोगों को चाहिए कि अपने घरों में ऐसा माहौल बनाएं कि जिससे बच्चों को भी, आने वाली नस्लों को भी और मौजूदा नस्लों को भी, बच्चों को भी ये बात महसूस हो कि आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट है और कितनी अनथक मेहनतों से हमारे बुज़ुर्गों ने इस दिन को हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी और कितनी मेहनतें इसमें लगी थी। हम चूँकि आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं इसलिए वाकई में हम महसूस नहीं कर पाते कि कितनी मुसीबतों से हमारे बुज़ुर्गों ने इस दिन को पार लगाया है। और इसके आगे ये है कि भाई स्कूलों में जो प्रोग्राम्स होते थे वो इस बार शायद नहीं हो पाएंगे जैसे कि दिशा निर्देश हैं सरकारी तौर पर जी, और लेकिन पेरेंट्स आ सकते हैं और उनके साथ में छोटे मोटे प्रोग्राम्स होंगे, ध्वजारोहण होगा और सोशल डिस्टेंसिंग और महामारी के लिए जागरूकता के संदेश वहाँ पर दिए जाएंगे। इन सबको कामयाब बनाएं। अगर आपके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हैं और आपके पास इनविटेशन है तो आप वहाँ ज़रूर जाएं और इसको कामयाब करने की कोशिश करें। और फिर से तमाम ही लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद और साथ में ये उम्मीद कि आप सभी लोग पहले की तरह और आज की तरह और आने वाले कल में भी इस महामारी की जंग में सब मिलजुल कर साथ निभाएंगे और सामाजिक दूरी को बनाए रखेंगे। मैं सामाजिक दूरी कहना ज़रा सा मुझे अजीब सा लगता है, जिस्मानी दूरी मकसद है वो जहनी दूरी ना करें, जिस्मानी दूरी करें, बहुत मेल मिलाप का माहौल रखें। सारे त्यौहार अभी गुजरे हैं और सभी लोगों ने बहुत जागरूकता का सबूत दिया है, सब लोग इसके लिए बेइंतहा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जय हिंद, जय भारत।